तेरी भक्ति का दिल में नशा चूर हो, ओ तेरी भक्ति का दिल में नशा चूर हो, मेरी आंखों में मालिक तेरा नूर हो, तेरी भक्ति का दिल में नशा चूर हो, मेरे आंखों में मालिक तेरा नूर हो। पंडित शारदा माँ हमेशा रहे, कंठ शारदा माँ हमेशा रहे, रिद्धि सिद्धि का वरदान हमें चाहिए, रिद्धि सिद्धि का वरदान हमें चाहिए, रिद्धि सिद्धि के दादा सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दादा सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, रिद्धि सिद्धि के दादा सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दादा सुनो गणपति। सर झुकाता हूँ चरणों में सुन लीजिए, सर झुकाता हूँ चरणों में सुन लीजिए, सर झुकाता हूँ चरणों में सुन लीजिए, आज बिगड़ी मेरी बना दीजिए, सर झुकाता हूँ चरणों में, न तमन्ना है घर न तमन्ना है धन की न धन धाम की, न तमन्ना है धन की, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, सिद्धि के दादा सुनो गणपति, सिद्धि के दादा सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, रिद्धि सिद्धि के दादा सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दादा सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दादा सुनो गणपति। श्री गणेश भगवान की जय। छोड़ रहा है, सूखा बोल रहा है। शिवराम जय सीताराम। ने कहा भैया मैं हूँ और मेरी भक्ति है। व्यक्ति बड़ा चतुर था, उसने फिर प्रश्न किया, बोले आप ये बताइए कि भक्ति में और आप में दोनों में अंतर क्या है। भगवान ने बताया, बोले भैया जो मेरी क्षमा चाहूंगा, भगवान ने कहा मैं और मेरी माया दोनों है मेरे पास। माया कौन है? भगवान की पत्नी है। तो भगवान ने कहा भैया माया चाहिए मैं चाहिए, तो उसने कहा दोनों का कारण तो बताओ आप। भगवान ने बताया, बोले भैया जो माया है मेरी, जो उसे ले जाता है वो सारे संसार में नाचता फिरता है,
माया मेरी उसे बहुत नचाती है। बोले ये तो माया का हुआ है और आपका, और बोले जो मुझे ले जाए सो मैं नाचता हूँ, वो बैठ कर देखता है। उसने कहा फिर तो प्रभु आप चाहिए मुझे, माया का क्या करूंगा भाई, जिसमें हम नाचते फिर उसकी क्या आवश्यकता। आज यहाँ नाचे, कल हटा में नाचे, परसों हिंडोरिया में नाचे, क्या मतलब निकला जीवन का। और हम यदि यहीं बैठे और सभी लोग आकर हर जगह के यहाँ नाचे तो कितना आनंद आएगा। बोलो राधे 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 राधे। तो इसलिए ये प्रथम श्लोक की 6 अध्यायों में पद्म पुराण से बड़ा सुंदर उपदेश दिया वेद व्यास जी ने। तो ये तो प्रथम श्लोक की कथा है और मैं अपने बाग को पुष्पांजलि श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणों में समर्पित करते हुए कल 3 बजे से 7 बजे तक कथा होगी प्रतिदिन। तो आप लोग समय का विशेष ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि सप्त दिवसीय श्रीमद भागवत कथा है। हम तो 7 दिन के लिए आए हैं, 7 दिन कथा करेंगे, विदाई लेंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन आपको क्या मिला, आप भी कुछ प्राप्त कर लो। कथा से शायद आपका जीवन बन जाए, जो घर से सुन रहे उनका बन जाए, जो गांव के पड़ोसी है उनका बन जाए, जहां जहां तक आवाज पहुंच रही हो, ना जाने किसका कहां भविष्य बन जाए, कल्याण हो जाए। क्योंकि गोविंद का नाम एक और है, अकारण करुणा वर्णालय। यदि हम किसी का कोई काम कर दें तो उसका शुल्क लेते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन गोविंद ऐसे हैं कि सब कुछ देने पर भी शुल्क नहीं लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसो को उदार जग माहे, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरस को माहे। भैया ऐसा संसार में कोई दूसरा है ही नहीं राम जी के अलावा, जो बिना शुल्क दिए और कोई काम कर दे। आप हटा जाएंगे, पानी का पाउच लेंगे, 5 रुपए का देता है, लेकिन ठाकुर जी ने 2 हाथ दिए। कल्पना कीजिए आप, यदि एक हाथ हमारा कट जाए और हम भारत में तो इलाज होगा नहीं, भारत से बाहर जाना पड़ेगा। और यदि हम बाहर गए तो हाथ डलने का क्या बोलेंगे, बोले 50 करोड़ रुपए चाहिए। अब हमारे पास तो नहीं है, एक हाथ का 50 करोड़। तो व्यक्ति एक हाथ से जीवन निकाल लिया, बोले भैया 50 करोड़ कहां से पाए, एक ही हाथ से काम चलेगा। लेकिन गोविंद ने 2 हाथ दिए, 5 रुपए भी नहीं लिए। एक आंख खराब हो जाए तो लोग मुख नहीं देखते सुबह से, ये ग्रामीणों में प्रथा है। बोले भैया मजा नहीं आया, तो सारा काम बिगड़ गया। वो प्रयास करे आंख डलवाने का तो डलवा नहीं पाएगा। गोविंद ने 2 दी है, कोई शुल्क लिया? कहने का अभिप्राय इतना बड़ा शरीर बना कर दे दिया है आपको, सब कुछ मुफ्त में दिया है, कोई शुल्क नहीं लिया है, फिर भी हम आप परेशान हैं। यदि विचार करें कि हमें थोड़ी थोड़ी किस्तों में उनका शुल्क देना है, इंस्टॉलमेंट होती है ना, जैसे कोई गाड़ी खरीद ले, 4 व्हीलर खरीद ले, तो फाइनेंसर आते हैं, फाइनेंस कर देते हैं, उसकी किस्त बना देते, भैया आपको 5,000 लगेगी। तो प्रत्येक महीना इंस्टॉलमेंट अर्थात किस्त देनी पड़ती है। उसी प्रकार हम किस्तों में गोविंद का शुल्क दे दें, तब तो हमारे जीवन में हमारे जीने की सार्थकता, और हमें पता चले कि भैया हमने जन्म क्यों लिया है और मर क्यों गए, ये पता करके जाना चाहिए व्यक्ति को। अभिमान में नहीं रहना चाहिए। देखिए गुस्सा उसे आता है जिसमें ज्ञान कम होता है। निवेदन कर दूं, बहुत से लोग कहते हैं महाराज मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मेरा कहना ये है कि गुस्सा उसी को आती है जिसमें ज्ञान कम होगा। आप आधे घड़े पानी ले जाइए, जहां पर जाएंगे वहां जाते जाते सारा गिर जाएगा, और उस घड़े को फुल करके ले जाइए, पानी कहीं गिरेगा नहीं। तो जिसमें कम ज्ञान होता है गुस्सा उसी को आता है। कल्पना कीजिए हम आप खेती करते हैं, फसल बोते हैं, सबसे पहले वृक्ष काय का होता है, राई का, और सबसे पहले टूटता कौन है, वही राई का पेड़ सबसे पहले खेती में उगता है, बड़ा हो जाता है, पर खेती बाद में आती है, राई पहले नष्ट हो जाती है। तो इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए, अग्र बनकर कथा सुनना चाहिए, विज्ञ बन के नहीं सुनना चाहिए। हमारे जो आर्गन बजाते हैं ये भी भागवत कथा करते हैं,
जो हमारे पंडित जी हैं गौतम जी, ये भी भागवत कथा करते हैं पर हमारी कथा सुनते हैं, और आप करें तो हम सुनेंगे, ऐसा नहीं है। अज्ञ बनकर जब हमें सुनेंगे तब हमें प्राप्ति होगी, और जब विज्ञ बनकर सुनेंगे तो कैसा होगा? साउंड देखेंगे, टेंट देखेंगे, मढ़िया देखेंगे, चार घंटे निकल गए, पता नहीं चला कथा महाराज कह रहे थे, बगल वाला कह रहा था, घर चले गए। बोलो राधे। ये भक्त की निशानी नहीं है। भक्त की निशानी तो यह है कि हनुमान जी महाराज की तरह श्रोता बनकर और सामने बैठकर आनंद से कथा श्रवण करे, जिससे लाभ होगा। आप सभी लोग कथा श्रवण करने आए हैं, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, तो भगवान की कथा है। ये क्या है? एक दीपक है, कथा रूपी दीपक है ये, और आपके घर में भी दीपक है, तो आपका दीपक बुझा हुआ है और यहां का दीपक या जल गया है, तो इस दीपक से आप अपने दीपक को जलाकर अपने घर ले जाए, कभी जीवन में बुझेगा नहीं। लेकिन अज्ञ बनकर, अज्ञान बनकर, विद्वान बनकर नहीं। किसी ने गाया है, ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो प्रेम की गंगा तो कब बहेगी? जब हम यहां कथा श्रवण करेंगे। तो भैया सारे गांव से यही निवेदन करूंगा कि कल से बढ़िया आकर ठाकुर जी की जो पावन कथा है, मोक्ष को देने वाली है, ज्ञान चक्षु खोलने वाली है, अंतःकरण में गोविंद का निवास बनाने वाली है, इस कथा को श्रवण करें और धर्म लाभ अर्जित करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। मेरे साथ भागवत कथा का जो पाठ करने वाले हैं पंडित श्री अनिल शास्त्री गौतम जी, मेरे बगल में विराजमान हैं भैया अंशुल गौतम जी, आप भी बहुत अच्छा जो है वेद पाठ करते हैं, और जो आर्गन पर संगति दे रहे भैया मुकेश व्यास जी हैं। ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन इतना बोलूंगा कि दो चार जिले में इनके सामने ना तो कोई आर्गन बजा सकता है और ना कोई गा सकता है, बहुत बड़े सिंगर हैं। वेदांती महाराज जी जो चित्रकूट के थे उनके साथ साथ 20 वर्ष रही है, और भैया सागर से आए हुए हैं, बड़ा प्यारा सुंदर तबला बजाते हैं, भारत के विशिष्टतम मंचों पर अपना वादन कर चुके हैं, और अपनी उंगलियों की गड़गड़ाहट से सबको मोहित कर चुके हैं। और भैया पेड़ पर हैं जो अभी सागर से आए हैं, बड़ा सुंदर पेड़ बजाते हैं और साथ में पूरस भी करते हैं, कल से कला दिखाएंगे। तो सभी लोग खड़े हो जाएं, श्रीमद् भागवत कथा की पावन आरती, और आरती के बाद प्रसाद लेकर ही जाएं। आरती लें और प्रसाद लें, ये प्रमाण पत्र है कथा सुनने का। जैसे हम आप पढ़ाई करते हैं तो मार्कशीट मिलती है, कहीं जाते हैं बोले भैया मार्कशीट दिखाओ, पढ़ाई की या नहीं की, उसी प्रकार ये कथा है। किसी ने कहा भैया कहाँ गए थे, बोले कथा श्रवण करने, बोले क्या प्रमाण, मुट्ठी खोल कर दिखा दो, बोले प्रसाद लिए हैं, बोलो राधे राधे। भक्त वत्सल भगवान बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचवेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हमारे ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि राम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती हो पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप